सो है गाइस, की हाल चाल? सब दोस्त सारे वधिया होंगे। हाईएस्ट पेड पाकिस्तानी एक्टर्स इन 2024, टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर्स, लेट्स चेक इट। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री किस कदर तरक्की करती जा रही है और ये वो रिकॉर्ड बनाती जा रही है। ऑलमोस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री ता होण वाली है, मेरे सामने टॉप 5 इंडस्ट्रीज विच ता होणगी दुनिया दी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहे ड्रामे। जो आज तक कोई ड्रामा नहीं बना सका और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूलियत मिली बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी हिट हुई, जिसको देखते हुए सबके जहन में से ये सवाल आता है कि पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री में एक्टिंग करने वाले एक्टर कितने पैसे चार्ज करते हैं। तो नाजरीन, आज हम इस सवाल का जवाब देने लगे हैं। ये तो कन्फर्म है कि एक्टर्स के बहुत से साइड बिजनेस होते हैं जिससे वो लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि एक्टर्स पर ड्रामा या फिल्म कितने पैसे चार्ज करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी ज़रूर लाइक कर लें ताकि आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहे। नंबर 10 पर आते हैं हमजा अली अब्बासी। okay. नाजरीन, जैसे आप सबको पता है कि हमजा अली अब्बासी ड्रामा और फिल्म दोनों में लीड रोल ही पाते हैं और लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा शोर ड्रामा सीरियल मन माइल और प्यारे अफजल से मिली है और ये अच्छे एक्टर होने की वजह से पैसे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। नाजरीन, हमजा अली अब्बासी मूवी के लिए तकरीबन 80 लाख रुपए और ड्रामे के लिए 40 लाख तक चार्ज करते हैं। नंबर 9 पर है फवाद खान। नाजरीन, फवाद खान पाकिस्तान के ऐसे एक्टर हैं जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान में शोहरत मिली बल्कि इंडिया में भी अच्छे एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने इंडिया में कपूर एंड सन्स और मिस्टर धोनी जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया, जो इनकी बेस्ट एक्टिंग का बड़ा सबूत है। इसके अलावा ये बॉलीवुड में डिसेंट पर्सनैलिटी की वजह से बहुत पसंद किए जाते हैं, जिसके साथ साथ इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है जो उन्हें हाईएस्ट पेड एक्टर बनाती हैं। नाजरीन, फवाद खान एक मूवी के लिए तकरीबन 1 करोड़ और ड्रामे के लिए 50 लाख के करीब चार्ज करते हैं। ओके, उन्हें इंडियन रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, ये भी मैटर करता है। नंबर 8 पर आती है मावरा हुसैन। नाजरीन, मावरा हुसैन ड्रामा हो या मूवी हमेशा लीड रोल ही पाती हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया में सनम तेरी कसम जैसी हिट फिल्म में हीरोइन का रोल निभाया है। ये एक मूवी के लिए तकरीबन 70 लाख और ड्रामे के लिए 36 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं। ओके। नंबर 7 पर है मायरा खान। नाजरीन, मायरा खान पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्टर हैं और ये अपनी एक्टिंग की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग रखती हैं बल्कि इंडिया में भी रईस की थी भाई, अगली ने शाहरुख खान बेस्ट जानी जाती हैं। उन्होंने बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म में लीड रोल निभाया है। नाजरीन, मायरा खान पाकिस्तान में एक मूवी के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ और ड्रामे के लिए 80 लाख तक चार्ज करती हैं। नंबर 6 पर है आयजा खान। नाजरीन, आयजा खान पाकिस्तान की बेस्ट एक्ट्रेस मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान को कायल किया बल्कि इंडिया को भी अपना दीवाना बना लिया। उन्होंने पाकिस्तान के बड़े ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, यारे अफजल, बिखरा मेरा नसीब, इस तरह के बहुत से ड्रामों में बेहतरीन किरदार निभाया है, जिसकी वजह से पैसे भी ज़्यादा चार्ज करती हैं। नाजरीन, आयजा खान ने अभी तक कोई फिल्म में काम नहीं किया और ये एक ड्रामे के लिए 65 लाख तक चार्ज करती हैं। नाजरीन, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? आपको उनका कौन सा ड्रामा पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 5 पर है शहजाद शेख। नाजरीन, शहजाद शेख बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। वो अब तक टोटल 2 ड्रामों में काम कर चुके हैं जिनमें से ज्यादातर हिट होते हैं। नाजरीन, शहजाद शेख वो एक्टर हैं जिन्होंने मोहब्बत तुमसे नफरत है, अना, राजे उल्फत और इस तरह के कई और ड्रामों में काम किया है। मतलब तगड़े ड्रामे कर रखे हैं मुंडे ने और ये ड्रामों और फिल्म में एक्टिंग करने के लिए अच्छा खासा चार्ज करते हैं। ये मूवी के लिए तकरीबन 80 लाख और ड्रामों के लिए 50 लाख तक चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर है इमरान अब्बास। नाजरीन, इमरान अब्बास पाकिस्तान में अपनी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत पसंद किए जाते हैं। उन्होंने ना सिर्फ इमरान अब्बास ने मेरे ख्याल में शायद इंडिया में भी काम किया है, पाकिस्तान में अपनी एक्टिंग को मनवाया बल्कि इंडिया में क्रिएटिया जैसी बड़ी फिल्म में काम किया और अपनी फैन फॉलोइंग बनाते ही चले गए। उन्होंने पाकिस्तान के बहुत ही ड्रामा दिए हैं जिसमें मोहब्बत तुमसे नफरत है और कोई चंद गो जैसे हिट ड्रामों में काम किया। नाजरीन, ये मूवी के लिए तकरीबन 90 लाख और ड्रामे के लिए 55 लाख तक चार्ज करते हैं। ओके। नंबर 3 पर है इकरा अजीज। नाजरीन, इकरा इज गुड, इकरा इज लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट इन पाकिस्तान की यंग एक्ट्रेस में से एक इकरा अजीज आवर ट्रेंड जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत पसंद की जाती हैं। उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के हिस्ट्री के बैड ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में काम किया है वो वाकई में काबिले तारीफ। खुदा और मोहब्बत तो पर कुछ नहीं है और ये ड्रामे के लिए बहुत ज़रा चार्ज करती हैं।
नाजरीन इकरा अजीज ने अभी तक कोई मूवी में काम नहीं किया और ये ड्रामे के लिए लगभग 55 लाख के करीब चार्ज करती हैं। नंबर टू पर है इमरान अशरफ। नाजरीन इमरान अशरफ जिस तरह ड्रामा इंडस्ट्री में आए और जिस तरह हिट हुए वाकई में लाजवाब है और उन्होंने हर तरह के करेक्टर के लिए खुद को वैसा ही बना लिया, ख्वाह वो करेक्टर बोलने का हो या गुस्से का, और ये हर चीज़ को बहुत ही खूबी से निभाते बोला यार, बहुत तगड़ा एक्ट सीखा। हैं। इसी वजह से ये पैसे भी अच्छे खासे चार्ज करते हैं। ये एक मूवी के लिए तकरीबन 70 लाख और ड्रामे के लिए 60 लाख तक चार्ज करते हैं। नंबर वन पर है फिरोज खान। नाजरीन अब तक के सबसे फेवरेट एक्टर और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक अलग ही रिकॉर्ड बनाकर देने वाला फिरोज खान हर पाकिस्तानी का फेवरेट एक्टर बन चुका है। इनकी बेहतरीन एक्टिंग हर किसी के दिल को छू जाती है। उन्होंने खुदा और मोहब्बत सीजन 3 और खानी जैसे पाकिस्तान हिट ड्रामों में काम किया है और ये उनकी एक्टिंग का मुंह बोला सबूत है। ये इस कदर मशहूर होने की वजह से हर पर ड्रामा और फिल्म अच्छा खासा चार्ज करते हैं। ये एक मूवी के लिए तकरीबन 80 लाख और ड्रामे के लिए 60 लाख तक चार्ज करते हैं। ओके, सो सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाली कुड़ी है लाइक माहिरा, बट सबा कमर वगैरह कितने हैं यार? वो भी तो वो हाईएस्ट चार्ज नहीं है ये लोग। लेकिन इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो नाजरीन ये थी पाकिस्तान। यही सीखे जी, ठीक है। बाकी तुम भी मैं दस सकते हो कि लाइक कोई होर भी हैगा जहाँ इस तो होर वधिया कोई किसी ने वीडियो बनाई हो जिस एक्चुअल सही रेट होने या कुछ इदा का, दस्यो जरूर। ठीक है।